हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आपका ऑनलाइन पेपर कैसे आने वाला है। ओके, ये एक रफ जो है मॉक टेस्ट टाइप है, तो इसके थ्रू आप जानेंगे कि आपका डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर ऑनलाइन होगा वो कैसे आपको सॉल्व करना होगा। हम यहाँ से एक टेस्ट को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका होगा ऐसे जो है स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, जब भी आपको क्या करना होगा, आपको वहाँ लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे वो। ओके, उससे आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद जो आपका पेज खुलेगा वो ये वाला पेज होगा। ओके, ये जो है पेज, ये पूरा पेज ऐसे खुल जाएगा। इसमें यहाँ पे आपको दिया होगा कि कौन से जो, अगर आपने ब्लैंक है तो किस कलर का दिखाई देगा, रेड है तो उसको आपने आंसर नहीं किया, ग्रीन है उसको आपने आंसर किया है, ये पर्पल है तो आपने आंसर नहीं किया है, रिव्यू के लिए छोड़ रखा है, और ऐसा अगर पर्पल है और ग्रीन से टिक भी है उसमें तो आपने आंसर भी कर दिया है बट मार्क इट पर रिव्यू के लिए भी छोड़ा है। ओके, तो ऐसा ऑप्शन देगा। फिर इसके बाद आप ऐसे पूरा इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे तक, सो ये सब इंस्ट्रक्शंस ही दे रखी होंगी जो आपकी मैं देंगी। उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट। जब आपने पूरा कर लिया तो आप करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कि आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए, तो आप यहाँ से हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है वो चूज़ करेंगे। हमने यहाँ से हिंदी सिलेक्ट करा। उसके बाद डिक्लेरेशन पूछेगा आपसे, तो डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे भर देना है, टिक मार्क कर देना है। उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, ये हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ टाइम भी चलेगा, ये देखो यहाँ टाइम चल रहा है आपका। और उसके बाद ये घड़ी वहाँ पे उल्टी भी चल सकती है, जैसे यहाँ पे तो 1 2 3 4 करके चल रहा है ना, जैसे ये वाला देखो, ये जो घड़ी उल्टी चल रही है यहाँ पे, तो ये इसमें यहाँ से पता चलता है कि आपने एक क्वेश्चन पे कितना टाइम दिया। यहाँ वाली जो घड़ी होगी ऊपर की साइड, वैसे एक ही घड़ी होगी आपके, उसमें जो उल्टी चल रही होगी आपके पूरे पेपर का, जो 120 मिनट का जो पेपर है तो 120 मिनट से यहाँ चलना स्टार्ट हो गए होंगे और वो ऊपर उल्टी चल रही होगी, 120 से वो आ जाएगा 119, 118, 117, ऐसे उल्टी घड़ी चल रही होगी। यहाँ पे आपको साइड में सारे कॉलम्स दिख रहे होंगे, जैसे ये दिख रहा है, ये पूरे जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सारे नंबर्स यहाँ पे होंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, जैसे इसमें से हमने अभी किसी को भी देखा नहीं है तो सारे वाइट हो रखे हैं। ओके, मैं जैसे इसमें किसी पे भी आंसर लगा देती हूँ और फिर मैं करूँगी सेव और नेक्स्ट करना है आपको। यहाँ पे दिख रहा है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तब आप दूसरे क्वेश्चन में पहुँचेंगे, क्योंकि हमेशा आपको टिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आपने नेक्स्ट कर दिया तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि जिसका आंसर आप दे देंगे वो ऐसा ग्रीन दिखने लगेगा और जिसका आंसर आपने नहीं दिया वो सब वाइट दिख रहे होंगे। आपको मार्क्ड एज रिव्यू बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसको आपने रिव्यू के लिए छोड़ दिया, बाद में आप उसे देख ही नहीं पाओगे, टाइम नहीं मिला आपके पास, तो आप साथ के साथ आंसर लगाते रहना। या फिर अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाओगे। जैसे मैं सेकेंड क्वेश्चन पर हूँ ना, देखो ये मैं सेकंड क्वेश्चन पे हूँ, मेरे को इसका आंसर नहीं आ रहा, तो मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगी, सेव एंड नेक्स्ट करूँगी तो आपको यहाँ देखने लगेगा कि मैंने सेकंड वाला छोड़ दिया है, मैं थर्ड पे पहुँच गई हूँ। यहाँ दिख रहा है ना आपको, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, मैं थर्ड पे पहुँच गई हूँ, सेकंड मुझे नहीं आ रहा था, फिर चलो इसमें मैंने कोई आंसर लगा दिया, इस पर हम आंसर लगा देते हैं और फिर मैं सेव एंड नेक्स्ट कर देती हूँ, तो आप दिखेगा कि मैंने थर्ड का आंसर दिया है, 2 का नहीं दिया। ओके, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं, चलो इसका भी आंसर कुछ भी लगा दिया, ये लगा दिया, फिर सेव एंड नेक्स्ट किया तो अब दिखेगा कि मैंने 4 का भी आंसर यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ साइड में आपको दिखते रहेंगे कि आप किसके किसके आंसर देते जा रहे हैं। अब वहाँ पे आपको अगर ये क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से आप जो है चेंज करेंगे, दिखाती हूँ, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, व्यू इन हिंदी और इंग्लिश, तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जाके उसका लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको, जैसे ये मेरे को हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से जाके इसको इंग्लिश में करती हूँ, तो आपका क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद इसका हमने आंसर लगाया, या फिर चलो इसका आंसर मुझे नहीं पता तो मैं सेव एंड नेक्स्ट कर देती हूँ, बाद में देखेंगे। तो आपको क्या ध्यान देना है, आप देखेंगे कि मैंने जिसका आंसर दिया है उस पर ग्रीन टिक हो गया है और जिसका आंसर नहीं दिया वो रेड रेड है। तो आपको एंड में जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको आप जाके देख सकते हो, जैसे मेरे मुझे टू पे जाना है तो मैं सीधे 2 पे क्लिक करूँगी तो मैं 2 पे पहुँच जाऊँगी, 5 पे जाना है तो मैं सीधे 5 पे क्लिक करूँगी और 5 पे पहुँच जाऊँगी। ओके, तो आपको इस तरीके से अपना पेपर सॉल्व करना है कि रेड वाले आपको दिख रहे हैं कि आपने उसके आंसर नहीं किए तो आप सीधे वहाँ पहुँच जाओगे, आप उसे मार्क्ड करोगे पर्पल कलर का कर दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर मार्क एज मतलब टिक मार के आपने मतलब आंसर भी कर दिया और रिव्यू के लिए छोड़ दिया तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, आराम से ऐसे रेड वाला ही छोड़ देना, क्योंकि इतना कलर बदलने का टाइम नहीं है आपके पास, तो उसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो अपने आप ही हो जाएगा।
एंड में जाके देख लेना कि आपने कौन कौन से छोड़ रखे हैं, उस पर सीधे डायरेक्ट क्लिक करोगे तो वो क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाएगा। जैसे मैं अगर 6 पे अभी क्लिक करती हूँ, 6 पे मैंने क्लिक किया तो 6 वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, तो फिर मैं उसका आंसर यहाँ पे जैसे सेव, यहाँ मैंने आंसर दिया, सेव एंड नेक्स्ट किया तो दिख जाएगा कि मैंने 6 का भी आंसर जो है कर दिया है। ठीक है, ऐसे पूरा आपको एंड तक जाना होगा, सेव नेक्स्ट सेव नेक्स्ट सेव नेक्स्ट कैसे करके, तो आपको यहाँ खुद ब खुद दिख जाएगा कि आपने किसका आंसर दिया है और किसका नहीं दिया है। तो यहाँ आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो रेड रेड है उनका आंसर आपने नहीं दे रखा है, तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे पहुँच जाना और देख लें, और उस पर जो भी आंसर है सारे आंसर करने हैं। पहले तो नहीं समझ में आ रहा तो भी जो अंदाजन भी जो लग रहा है कि ये हो सकता है इसका आंसर, उस पर टिक कर देना और सेव कर देना। ओके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, तो सारे अटेम्प्ट करने हैं अच्छे से, नहीं आ रहा तो भी करना है, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी नॉर्मलाइजेशन होके मार्क्स आपके थोड़े बढ़ जाएंगे थोड़े घट जाएंगे, जो नॉर्मलाइजेशन में मतलब कि पेपर के उस पर दिखता है कि अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ जाता है, और ईजी क्वेश्चन होंगे तो आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो है घट जाता है। तो ऐसा नॉर्मलाइज़ करेंगे, क्योंकि 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है तो शिफ्ट के वाइज जो है नॉर्मलाइजेशन होगा, इसलिए आपको सारे अटैम्प्ट करने हैं। ओके, उसके बाद जब आपके 10 तक पहुंच गए, आपने सारी कर दिया, जैसे मैं सबको सब पे लगा लेती हूँ क्योंकि आपको तो सभी करने हैं सॉल्व, तो मैं सब पे आंसर कोई ना कोई लगा देती हूँ। 7 पे भी लगा दिया, सेव नेक्स्ट ज़रूर करना है, ये सेव नेक्स्ट करोगे तभी आपका आंसर सेव होगा वरना नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे दिख रहा है मार्क एज रिव्यू, तो अगर इस पे क्लिक करोगे तो वो मार्क एज रिव्यू हो जाएगा। जैसे ये मैंने कर दिया मार्क एज रिव्यू, तो ये दिख रहा है ना पर्पल कलर का, तो इससे फ़ायदा कुछ है नहीं करने का, इसलिए इस अच्छा है कि वहाँ जाके उसको पूरा सॉल्व करो। 7 तो हरा हो जाएगा, फिर 9 पे भी हम टिक कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। अब आपका यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ देखिए, अब यहाँ से आपको सबमिट पे ये दिख रहा है, यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है, नीचे लिखा है ना सबमिट, इस पे सबमिट टेस्ट करेंगे, आपको दिख जाएगा कि आपने कितने जो क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर, आंसर, नॉट आंसर। वैसे तो आपको जब आपको पूरा 120 मिनट होगा तभी आपका पेपर सबमिट करना है, आपको पहले से नहीं करना, और जैसे टाइम होगा वो खुद ब खुद सबमिट भी हो जाता है। ओके, फिर आपको दिखेगा कि आपने कितने क्वेश्चन कैसे किए हैं, फिर यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका फाइनल पेपर जो है सबमिट हो जाएगा। ओके, देखो ये हो गया ना सबमिट, तो ये जो है आपका सबमिट हो गया, आपको एंड में जैसे दिख जाएगा चार्ट, फिर आपका फाइनल सबमिट हो गया पेपर। ऐसे ही आपका एग्ज़ाम में पेपर आएगा, ऐसे ही करना है। अभी भी आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, और इस वीडियो को मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करती हूँ ताकि आप देख लो। ओके, थैंक यू।